जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी, जिसकी की ऑनलाइन अप्लाई जनवरी 2024 तक चले, 60,244 टोटल वैकेंसी थी। 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिटर्न एग्जाम आप लोग के 17-18 फरवरी 2024 की डेट दी गई थी। यहाँ पे आप लोग के रिटर्न एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज का जो मेरा वीडियो है आपका 17 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट का रिटर्न एग्जाम कैसा रहा, ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में लेना। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट के रिटर्न एग्जाम की जानकारी लेना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में 18 फरवरी 2024 दोनों शिफ्टों में आपका रिटर्न एग्जाम कैसा रहेगा, ए टू जेड जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, और टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम से जुड़िए ताकि पीडीएफ वगैरह आप लोग को मिल सके। तो दो शिफ्टों में आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं, 17 तारीख को दो शिफ्ट और इसी प्रकार से 18 को भी दो शिफ्टों में आप लोग का एग्जाम होगा। तो आज का वीडियो 17 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट के रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड है, आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। इस प्रकार का आप लोग का पेपर था, 300 नंबर का आप लोग का पेपर था। जी हाँ, 300 नंबर का आप लोग का पेपर था, 150 क्वेश्चन थे और 2 घंटे का समय आप लोग को यहाँ पे दिया गया था। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं आप लोग के और 0.50 अंक यहाँ पे काटा जाएगा निगेटिव मार्किंग। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग थी आप लोग की, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1/4 आप लोग की निगेटिव मार्किंग है। चलिए, इसी प्रकार से नीले काले बॉल पेन का आप लोग यूज कर सकते थे। OMR बेस आप लोग का यहाँ पे एग्जाम था और इसी प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोग को दिए हैं, इसे आप लोग रीड कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप लोग का एग्जाम पेपर, तो एग्जाम पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का जो है 11 प्रणाम, तो यहाँ मैथ से रिलेटेड है। आप लोग देखेंगे 11 प्रणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 का प्रणाम इतना है तो अंतिम 6 का औसत हो तो 6 ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जी हाँ, इसी प्रकार से अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 दिन में 12 दिन दिनेश प्रारंभ करके बारी दो तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। मैथ के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। जी हाँ, इसी प्रकार से अनुक्रमांक, इसका 14वां पद ज्ञात कीजिए। त्रिभुवाकार क्षेत्र की जिसकी ऊंचाई 3 गुना है तथा खेत की जुताई की लागत इतने है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पेपर है सेकंड शिफ्ट का। जी हाँ, इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे 33 वर्ग मीटर कपड़ा बेचने में 11 मीटर के विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ती है, उसे 500 मीटर दूरी करने में कितना समय लगेगा। जी हाँ, 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दूरी में हमारा ब्याज 2% अधिक रखा जाता है, 400 अधिक प्राप्त करने की राशि क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन है आप लोग का। इसी प्रकार से PQR प्रत्येक 2000 का निवेश करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, 5 दिन के बाद पी इतना निकाल लेता है, क्यू इतने निकाले और आर को इतने अतिरिक्त निवेश करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पी का हिस्सा ज्ञात करना है। एक डायग्राम से रिलेटेड भी 9 से 13 तक आप लोग का डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन तो काफी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, इसी प्रकार से 2004 में आयात इतना था, ठीक है, और मिलाकर कुल निर्यात आयात कितना था, इसके आयात कितना था, ठीक है। इसी प्रकार से कुल दिए गए वर्षों में वर्षों के निर्यात आयात से अधिक था, वो जो आप लोग का डायग्राम था उससे रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन है। 12वां आप लोग का जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो डायग्राम से रिलेटेड है यहाँ पे 13 तक। 14वां आप लोग का जो है वैन डायग्राम से रिलेटेड है, जो व्यक्ति संबंध अच्छे तरीके से होता है, जानवर सब्जी आलू वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का डायग्राम का भी रिलेटेड है और 4 शब्द दिए हैं, 1 शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया था वह शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको इससे रिलेटेड है आप लोग का जो वर्ड दिया गया है, इसमें 1 शब्द नहीं बनाया जाता वो आप लोग देख लेंगे। और ये भी आप लोग का जो है डायग्राम से रिलेटेड आप लोग देखेंगे, त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, वकील को, वर्ग और साक्षात्कार। तो इस प्रकार से आप लोग को जो साक्षर है उसकी जानकारी ज्ञात करना है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस गुणा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा पेपर है, 4 विकल्प दिए हैं। एक्स दवी दर्पण में क्या कैसा फोटो आएगा उसकी जानकारी आप लोग को देनी है और इसके अलावा जो आप लोग का नीचे आने के बाद DMS, ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड है, आकृति से रिलेटेड है, कितने वर्ग हैं और 10 किलोमीटर पश्चिम जाता है, तो आप लोग का रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पे स्टार्ट है। तो बहुत ही अच्छा पेपर है रीजनिंग में, आप लोग देखेंगे यहाँ पे कथन और तर्क वाला क्वेश्चन भी आप लोग को दिया गया और इसमें नीचे आने के बाद दायां मुड़ता, ठीक है, डायग्राम से रिलेटेड आप लोग देखेंगे 7 किलोमीटर बाएं दाएं वगैरह, तो आप लोग को व्यक्ति घर से कितनी दूर है। तो बहुत ही अच्छा पेपर है, रियली बहुत अच्छा पेपर है सेकंड पेपर का। और अक्षरों का समूह दिया गया, अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रम को पूरा करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को वर्ड ढूंढने हैं जो कि इस क्रम को पूरा करेगा, ठीक है, जो क्रम बन रहा है उस क्रम को पूरा करेगा, आप लोग देख लेंगे। इसी प्रकार से वह श्रृंखला वही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, तो कौन सा है जो वर्ड संख्या जो श्रृंखला को पूरा करता है, कुछ ना कुछ इसमें जो रिलेशन है आप लोग देख लेंगे। पिघलाना तरल तो जमाना क्या है, बहुत ही अच्छा पेपर है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा रीजनिंग का पेपर आप लोग का आ रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे 26वां जो है डायग्राम से रिलेटेड है, नीचे दिया गया है कथन और धारणाएं वगैरह, तो इससे रिलेटेड आप लोग को जानकारी दी गई है। चलिए, इसके अलावा आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 27 से 31 तक आप लोग को जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन है। और इसके अलावा 27वां आप लोग में यहाँ पे वेतन में 1 वर्ष की छुट्टी लिया तो उसके सेवा में बर्खास्त कर दिया गया है, तो डायग्राम वाला क्वेश्चन है आप लोग का ये।
इसी प्रकार से 10 वर्ष, ठीक है, ये भी डायग्राम से रिलेटेड है। 29वां भी आप लोग का डायग्राम से रिलेटेड है। इसी प्रकार से आप लोग का 30 जो है यहाँ पे कंपनी में काम किया, हालांकि उस समय 2 वर्ष तो आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया, ठीक है, डायग्राम से रिलेटेड है, डायग्राम से रिलेटेड। इसके अलावा नीचे आएंगे तो आप एक पुलिस अधिकारी हैं, तो ये आप लोग का जो है जो कानून से रिलेटेड है, आप लोग देखेंगे पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सोशल मीडिया में निगरानी है, निषेधाज्ञा के उल्लंघन करते हैं, अनाधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है आपको, ठीक है, किसके माध्यम से, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाज की पहचान करने के लिए आपको, ठीक है, क्या करना होगा। तो बहुत ही अच्छा पेपर है ये, आपका एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एक महिला ने आपके नाबालिग बेटी को अंतरंग तस्वीरों में उत्पीड़न की, कानून के अनुसार आपको, ठीक है, क्या करना होगा उसकी जानकारी, दबंग प्रमण स्टेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप लोग का 36-37 आप लोग ऑनलाइन वगैरह, ठीक है, ऑनलाइन अपराध से ही रिलेटेड है सारा, आप एक जांच अधिकारी हैं, ठीक है, सारा का सारा आप लोग का जो है कानून से रिलेटेड ही है। अभी आप लोग का 40वां भी 41वां पुलिस अधिकारी के रूप में, आप वरिष्ठ अधिकारी के रूप में महिला कांस्टेबल के होते स्थित यौन उत्पीड़न की संख्या देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग का जो है नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे 43, जी हाँ 43 में आप लोग का जो है ये भी आप लोग का जो है कानून से रिलेटेड, इसमें 45 से आप लोग का जो है रीजनिंग स्टार्ट है, ठीक है। तो क्रच को ये लिखा जाता है, तो टेंपल को क्या लिखा जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति जो है 7 किलोमीटर फिर दाएं बाएं वगैरह का क्वेश्चन दोबारा से आ गया आप लोग का। प्रश्न चिन्ह के अलावा सामने आप लोग का क्या आने वाला है, ठीक है, प्रतीक सफर नाविक के साथ क्या होगा। और इसके अलावा आप लोग को दिए गए सामान्य विशेषता है, आपको विषम को ढूंढना है। इसी प्रकार से वह शब्द चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। बहुत ही अच्छा पेपर है, रियली बहुत अच्छा पेपर है ये आप लोग का। लिंग्विस्टिक में पहले और तीसरे छठे अंग्रेजी वर्णमाला को ठीक करने बदल दिया था, चौथे सातवें और अंग्रेजी में ठीक उसके बाद वाले अक्षर को बदल दिया था, अक्षर वर्णमाला में कितने अनुसार है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा पेपर है, आप लोग देखेंगे। इसके अलावा राहुल रॉबिन का भाई है, रॉबिन प्रमोद रॉबिन का पिता है, शीला बहन है, ठीक है, प्रमोद तो किस प्रकार से संबंधित है। बहुत ही अच्छा पेपर है आप लोग का सेकंड शिफ्ट का। इसी प्रकार से घड़ी के 9 बजे दिखाता है, 3 बजे दिखाता है घड़ी की सुई की डिग्री। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आप लोग का पीडीएफ जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप लोग का टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर डाल दूंगा, ठीक है, वहां जाकर के आप लोग जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा जो घड़ी 9 है 7 बजे दिखाते हैं सुई की डिग्री के, तो बहुत ही अच्छा पेपर है। आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कितने लोग शिक्षित हैं। और इसके अलावा ये भी आप लोग का डायग्राम है, और इसमें आप लोग का जो है मैथ में मीन्स यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या आने वाला है, के से बड़ा है रीजनिंग है, ठीक। इसके अलावा घनाभार लकड़ी थोक स्वास्थ्य प्रति जागृत, बहुत ही अच्छा पेपर है ये आपका, जी हाँ पेपर बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, एक शब्द दिया है पर 4 शब्द दिए गए, निम्नलिखित शब्द का प्रयोग करने दबा दृढ़ से, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है जोखरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, वो आप लोग को बताना है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा कीजिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, जी हाँ। इसके अलावा आप लोग को जो कथन दिया गया है, कथन के अलावा निष्कर्ष वगैरह है, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और दर्पण से रिलेटेड फिर से आप लोग का क्वेश्चन आ गया, इसके अलावा डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जी हाँ बहुत ही अच्छा पेपर आ रहा है आप लोग का, जी हाँ। 4 विकल्पों में पता लगाया कि पारदर्शी सीट बुंदुरा मंडप पर पर्यटन किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, इसको जो फोल्ड करेंगे तो किस प्रकार से आप लोग का आएगा डायग्राम, बिल्कुल इस तरीके का। और एक्स वाई का भाई है, आर वाई का भाई है, टी एस का बहन मैंने, ठीक है, किस प्रकार से संबंधित है और संबंध वाला रिलेशन था। इसके अलावा शाब्दक का अर्थ वगैरह, ठीक है, आदमी बेटा, मैथ के क्वेश्चंस भी आप लोग को दिए गए, रीजनिंग सभी मिक्स हैं आप लोग के यहाँ पे, और रीजनिंग आप लोग देखेंगे फोटोग्राफ वगैरह। और इसके अलावा 8 से इधर दिवाली से, ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर है। इसके अलावा लैटिक एसिड क्या होता है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसके अलावा गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा उपन्यास है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है। और इसके अलावा 10 की जनगणना की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किस मंत्रालय पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, निम्नलिखित में से किस सदन को किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कार्यकलाप निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा स्थापित किया गया है, जी हाँ निम्नलिखित में से राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। इसके अलावा आर्यभट्ट प्रेक्षण विभाग अनुशासन अनुसार राज्य की निम्नलिखित में से किस जिले से जुड़ा है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी भारत के भूमि से साझा नहीं करता है, जी हाँ अच्छा क्वेश्चन है। G20 का पूर्ण रूप क्या है। और इसके अलावा टोक्यो एशिया निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, और थांगांग निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय कला शैली है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है, निम्नलिखित में से संविधान में प्रत्येक प्रश्न के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था, इसे कलाकृति से सजाया जाता है, प्रभावी गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में किस शासक की बेटी थी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग तो उन गीता के नाम बताए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने किसानों की सुविधा मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है, ठीक है, 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रधानमंत्री थे विमुद्रीकरण के समय,
और इसी प्रकार से ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि निजी और सहकार दोनों निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, निम्नलिखित में कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक है, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन का उद्योग नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज का प्रमाण करके डिजिटल सत्यीकरण प्रदान, ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और उसकी नाइटहुड का त्याग कर दिया था, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण पालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, निम्नलिखित में से किस बैंक में रुपया नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, नील क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और इसके अलावा भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे जैव विविधता स्थल है, BHS, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार भारत सरकार के निम्नलिखित में कलेक्टर को शामिल नियुक्ति ने, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सीमा निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा को नहीं छूता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड है जो कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से मिलती है, ठीक है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, जी हाँ। और इसके अलावा आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोगों को हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम है निम्नलिखित में से, और कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है, तारे गिन सकते हैं, वाक्य किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, श्रुति से भिन्नात्मक शब्द युग निर्वाद निर्वादमक का उचित है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में दिए गए शब्द सुंगत है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि कौन सा विकल्प है, ठीक है। ईमानदार शब्द कौन सा विशेषण है, और सक्रामक उदाहरण क्या है, वधु शब्द का बहुवचक क्या होगा, निम्नलिखित में से लिंग दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, माँ के बच्चे को मिठाई दी है, रेखांकन शब्द का कारक क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अद्वा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असम है, निर्मम शब्द कौन सा अवसर, भौतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, और इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के प्रवाचक निम्नलिखित में, ठीक है, निरभम शब्द किसका उपसर्ग है, निम्नलिखित में से किस युगल में समास विग्रह नहीं हुआ है, आकर्षक का विलोम शब्द क्या है, शब्द और विपत्ति का होना इसके लिए सही लोकनीति निम्नलिखित में, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शिल्प आधार के दोहे का उल्टा छंद क्या है, रहीमन पानी राके बिन पानी सब सूर पानी गम नोभ्रम होती मानस चून, इन पंक्तियों में सबसे कौन सा अलंकार है, इसके अलावा आप लोग को जो गद्यांश दिया है आप लोग देख सकते हैं गद्यांश, और इसके जो है आप लोग को आंसर्स देने हैं, मीठी गाय दूध देती है इस वाक्य का कला है, ठीक है। उमा ने पढ़ लिया नहीं जाता नवाक्य में किसका वाच्य है, ठीक है। गद्यांश भी आप लोग देख सकते हैं, गद्यांश की जानकारी आप लोग को दी है, गद्यांश के क्वेश्चंस और आंसर आप लोग को देने हैं, गद्यांश के आधार पर चोरों की परिभाषा क्या है, इसी प्रकार से वह बिल्कुल थक गया था इस वाक्य में कौन सी क्रिया, निम्नलिखित में मृदु शब्द का प्रवाचक शब्द निम्नलिखित, ठीक है, और इसी प्रकार से विभाजक किया जाता है पहला आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन अच्छे हैं और इसी प्रकार से आप लोग को जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी दिया गया। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना थी, नीलनाथ कृति निम्नलिखित में से हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जी हाँ, वहां पर जाकर के आप लोग PDF डाउनलोड कीजिए, रीड कीजिए, सॉल्व कीजिए, आने वाले समय में आप लोग को इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे, तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम, बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर जरूर, ताकि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगा, थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।